राहुल श्रीवंश। आज हम बात करने वाले हैं अंबेडकरवाद क्या है। आज जिसे देखो वही कहता नजर आता है कि मैं अंबेडकरवादी हूँ, लेकिन क्या उसे ये पता है कि अंबेडकरवाद क्या है? किसी किसी को शायद ये बड़ी मुश्किल में पता होगा कि अंबेडकरवाद असल में क्या है। अंबेडकरवाद किसी भी धर्म, जाति, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अज्ञानता, किसी भी प्रकार के भेदभाव या रंग भेद को नहीं मानता। अंबेडकरवाद मानव को मानव से जोड़ने का या मानव को मानवता के लिए बनाने का नाम है। अंबेडकरवाद वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानव के उत्थान के लिए किए जा रहे आंदोलन या प्रयासों का नाम है। एक अंबेडकरवादी होना तभी सार्थक है जब मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना कर समाज और मानव के हित में कार्य किया जाए। सुनी सुनाई या रूढ़िवादी विचारों को अपनाकर जीवन जीना अंबेडकरवाद नहीं है। आज हर तरफ तथा कथित अंबेडकरवादी पैदा होते जा रहे हैं, परंतु अपनी रूढ़िवादी सोच को वो लोग छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। क्या आज तक रूढ़िवादी सोच से किसी मानव या समाज का उद्धार हो पाया है? अगर ऐसा होता तो शायद अंबेडकरवाद का जन्म होता ही नहीं। अंबेडकरवादी कहलाने से पहले रूढ़िवादी विचारों को छोड़ना आवश्यक है। वैज्ञानिक तथ्यों पर विचार करना पड़ेगा, तभी अंबेडकरवादी कहलाया जा सकता है। अंबेडकरवाद दुनिया की सबसे प्रभावशाली और विकसित विचारधारा का नाम है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान अंबेडकरवाद में ना हो। अंबेडकरवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि निम्नलिखित हैं: रूढ़िवादी शोषित, अमानवीय, अवैज्ञानिक, अन्याय एवं असमान सामाजिक व्यवस्था से दुखी मानवों की इसी जन्म में आंदोलन द्वारा मुक्ति प्रदान कर समता, स्वतंत्र, बंधुत्व एवं न्याय के आदर्श समाज में मानव और मानवी जैसे स्त्री पुरुष समानता के बीच सही संबंध स्थापित करने वाली न्यायी क्रांतिकारी मानववादी विचारधारा को अंबेडकरवाद कहते हैं। जाति, वर्ग, छूत अछूत, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, शैक्षिक व्यवस्था, रंग भेद की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाकर एक न्यायुक्त, समानता युक्त, भेदभाव मुक्त, शैक्षिक, वैज्ञानिक, तर्क संगत एवं मानववादी सामाजिक व्यवस्था बनाने वाले तत्वज्ञान को अंबेडकरवाद कहते हैं, जिससे मानव को इसी जन्म में रूढ़िवादी जंजीरों से मुक्त किया जा सके। व्यक्ति विकास के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्यायिक इन लोकतंत्र निष्ठा मानवीय मूल्यों को आधारभूत मानकर संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने वाले दर्शन तत्व ज्ञान को अंबेडकरवाद कहते हैं। उच्च एवं निम्न, छूत अछूत आधारित गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बदलकर समानतापूर्ण मानववादी व्यवस्था में बदलने वाली विचारधारा अंबेडकरवाद है। ऐसी व्यवस्था में सबको विकास एवं समान संधि मिलती है। साधारण परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं: गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बदलकर समतायुक्त मानवतावादी व्यवस्था की निर्मिति करना अंबेडकरवाद है। अंबेडकरवाद पर मानव मुक्ति का विचार है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इंसानियत का नाता ही अंबेडकरवाद है। मानव गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी के लिए चलाया गया आंदोलन ही अंबेडकरवाद है। मानव को इसी जन्म में कल्याण करने वाली विचारधारा अंबेडकरवाद है। मानव कल्याण का मार्ग ही अंबेडकरवाद है। जीवन जीने का मार्ग देने वाली विचारधारा अंबेडकरवाद है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक उत्थान, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक बदलाव को अंबेडकरवाद कहा जा सकता है। अंबेडकरवाद एक ऐसा विचार एवं आंदोलन है जो अन्याय और शोषण के खिलाफ है और उसकी जगह एक मानवतावादी वैकल्पिक व्यवस्था बनाता है। यह संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अंबेडकरवाद केवल यह विचार का दर्शन ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, शैक्षणिक,
धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में बदलाव लाने का एक संपूर्ण आंदोलन है। अंबेडकरवाद यह ऐसी विचारधारा है जो हमें मानवतावाद की ओर ले जाती है। व्यवस्था के गुलाम लोगों को गुलामी से मुक्त कर मानवतावाद स्थापित करना ही अंबेडकरवाद है। तो अंबेडकरवादी कहने वाले लोग कृपया ध्यान दें कि मैं अंबेडकरवादी केवल इतना कहने से कुछ नहीं होने वाला। अंबेडकरवाद की रंग में खुद को सराबोर करना पड़ेगा और अंबेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम उनकी कही गई बातों पे अमल करें और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पर हम चलें। इसी से हमारी, आपकी, हम सबकी जिंदगी और बेहतरीन बन सकती है।